तिब्बत भाषा शिखिबे भारतीय सेना। चीन रो मिथ्या प्रचार प्रसार को रोकिबा पाई पदक्षेप। एलएसी रे उभय पार्श्वरे थिबा तिब्बतीय मानक भाषा और संस्कृतिर अनुसरण। आर्मी कमांडर का प्रस्ताव को विश्लेषण। वैदेशिक मंत्री श्री एस जयशंकर एक 8 सूत्री नीति प्रणयन करिबार प्रस्ताव। चीन सहित चलिथिबा सीमा विवाद मध्यरे चीन रो मुकाबला पाई भारत वर्तमान तिब्बत विज्ञान बा तिब्बतोलॉजी उपरे ध्यान देछि। एक रिपोर्ट अनुजाई एलएसी एवं अंतर्जातीय सीमार उभय पार्श्वरे थिबा तिब्बतीय परंपरार अध्ययन पाई सेना अधिकारी माननकु प्रस्ताव दिया जाइछि। एहा द्वारा चीन रो मिथ्या प्रचार और प्रसार को अटकाइबारे भारत को सफलता मिलि पारिबो। वास्तव नियंत्रण रेखार उभय पार्श्वरे बसवास करुवा तिब्बतीय परंपरा भाषा चालीचलणी ऐतिह्य को अनुसरण करने को भारतीय सेना अधिकारी को परामर्श दि जाएगी। चाइना सीमार उत्तेजना मध्य अक्टोबर रे सेना कमांडर सम्मिलन रे ए प्रस्ताव प्रथम दि जाता। शिमला भित्तिक आर्मी ट्रेनिंग कमांड वर्तमान जनरल एम नरवणे निर्देश उपरे ए प्रस्ताव को विश्लेषण करुच्ची। 7टी अनुष्ठान जहां तिब्बत विज्ञान रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करे ARTRAC द्वारा चिन्हट होईची। सेना अधिकारी माने स्टडी लीव रे जाई एहा सिखि परिबे। तबे आगरु मध्य चाइनार सीमा क्षेत्र रे मांडारिन सिखिबा पई सेना अधिकारी मानकु प्रस्ताव दिया जाइतिला। अन्य पक्षरे चीन निजे पाकिस्तान सेना को मांडारिन भाषा सिखाउतिबार जणा पड़िची। पाकिस्तान सेनार भाषा व्यवहार बुझिबारे भारतीय सेनांकर कौनसी असुविधा होई न थाए, किंतु चीन रो भाषा और विशेष भाव में तिब्बत भाषा न जानिथिबारु चीन सेनार योजना और युद्ध कौशल को बुझिबारे भारतीय सेना को असुविधा होई पारे। भाषा सांस्कृतिक एवं आचरण ढांचा दृष्टि उभय चीन एवं तिब्बत उपर निजरा पारदर्शिता सृष्टि करने आवश्यक। तेणु एलएसी रे पोस्ट करा जाइथिबा किछि अधिकारी ए भाषा एवं क्षेत्र उपरे विशेषज्ञता आवश्यक। चीन सहित एपरी उत्तेजना लगी रही परिस्थिति को नियंत्रण करने वैदेशिक मंत्री श्री जयशंकर एक 8 सूत्री नीति प्रणयन करने को प्रस्ताव देइछन्ति। गत वर्ष भारतीय एवं PLA बाहिनी मध्य गोलान उपत्यका संघर्ष पर सीमार अस्थिरता एवं पर्यंत लगी रही उभय देश पक्षर पदक्षेप निया जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।